उल्लासनगर शहर की जनता को आज हम बताना चाहते हैं कि दो दिन पहले गांधी रोड परिसर के यहां राजा गेमनानी के बंगले के सामने लालचंद आहूजा जो राजा गेमनानी के खिलाफ आईपीसी 324 हेलैन पुलिस चौकी में उन्हें दाखिल कराई थी कि उन्होंने कहा था कि राजा गेमनानी के लोगों ने उन्हें मारा है, मगर उसके बाद राजा गेमनानी पुलिस चौकी में खुद गए। उन्होंने हेलैन पुलिस चौकी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मायने साहब को अपने बंगले का सारा सीसी कैमरा फुटेज का विजुअल उन्हें दिया। उन्होंने कहा कि ये लालचंद आहूजा और उसका बेटा गुड्डू आहूजा आपस में लड़ाई करते रहे थे रास्ते पर, उसको लोग देख रहे थे। बाद में ये दोनों बाप बेटे मिलकर, उनके बाजू में एक दुकान था जिसके धनी का नाम था जय वद्रिया, उनको दुकान में बड़ा पत्थर लेकर ये मारने को गए थे। वह लड़का अपनी जान बचाते हुए राजा गेमनानी के बंगले में घुसा और उन्होंने राजा गेमनानी को मध्यस्थता करने के लिए कहा। उसके बाद राजा गेमनानी आए और उन्होंने मध्यस्थता करा के दोनों को घर भेज दिया। उसके बाद जय वद्रिया अपने दुकान के यहां पर खड़ा था, उसके साथ 4-5 लोग खड़े थे, उनसे बात कर रहे थे। फिर उसके बाद वहां पर लालचंद आहूजा दोबारा अपने घर से बाहर निकला और उन लोगों को गाली देने लगा। फिर लड़कों की उनके साथ हाथापाई हुई। इस हाथापाई में राजा गेमनानी का कोई वास्ता नहीं था। उसके बाद भी राजा गेमनानी खुद पुलिस चौकी गए, उन्होंने अपने बंगले का पूरा विजुअल वहां के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मायने साहब को दिया। मायने साहब ने खुद देखा कि वह लालचंद आहूजा और उसका गुड्डू बेटा आपस में लड़ाई करते हुए उनके बाजू वाले दुकान पर पहुंचकर उस दुकान के धनी जय वद्रिया के ऊपर पत्थर मारने की कोशिश कर रहे थे। वह लड़का जान बचाते हुए राजा गेमनानी के बंगले में गया। उसके बाद राजा गेमनानी ने बीच का रास्ता निकालते हुए दोनों को शांत करके घर भेजा। बाद में इन लोगों की आपस में मारामारी हुई। उसके बाद जय वद्रिया हेलैन पुलिस चौकी में गए और उन्होंने पूरा विजुअल कैमरा का सीनियर को सौंपा। उन्होंने दिखाया कि किस तरह लालचंद आहूजा और उसका बेटा गुड्डू आहूजा और उसकी घरवाली दया आहूजा वह उनके दुकान पर पहुंचकर उनको पत्थर मार रहे थे। हमने जो शहरवासियों को दो दिन पहले न्यूज भेजी थी, शहर के लोग हमें कह रहे थे कि महेश भाई इसकी जो सीसी कैमरा जो फुटेज है वो हमें अपने न्यूज में दिखाइए, तो मैं आज आपको वो तमाम सीसी कैमरा का जो विजुअल और फुटेज है हम आपको दिखा रहे हैं। उस बात से आपको अंदाजा लग जाएगा कि लालचंद आहूजा और उसका परिवार किस तरह वहां पर बौखलाया हुआ है, किस तरह वह पत्थर उठाकर लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बताइए कौन है गुनहगार, कौन है गुनहगार नहीं। तो पुलिस अपना काम बखूबी ईमानदारी से कर रही है और आने वाले दिनों में ऐसे लोगों पर किस तरह अंकुश लगाया जाए ये आने वाले दिनों में पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। थाने सरकार न्यूज, महेश मूलचंदानी, उल्लासनगर। हमने जो एरो का आपको निशान दिखाया है वह एरो का निशान एक दुकान को दिखाता है। उसी दुकान में लालचंद आहूजा और उसका बेटा पत्थर लेकर उनको मारने के लिए जाने वाला है। आप ध्यान से देखते रहिए। यह जो ग्रीन कलर का एरो ब्लैक टी शर्ट में दर्शाता है वह आदमी है गुड्डू आहूजा। किस तरह वह दुकान के अंदर पत्थर लेके उन्हें मारने के लिए दौड़ता है। पीछे व्हाइट टी शर्ट वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है लालचंद आहूजा, जो उसका पिता है वह भी उनको मारने के लिए दौड़ता है। अब आप आगे का वीडियो और विजुअल हमारे साथ देखते रहिए। उस दुकान से किस तरह वहां का दुकान का मालिक जय वद्रिया भागते हुए राजा गेमनानी के बंगले में आता है, आप ये देखिए किस तरह वह व्यक्ति राजा गेमनानी के बंगले में आकर मदद के लिए उनके पास पहुंचता है। उसके बाद लालचंद आहूजा भी उस बंगले में घुसकर उस लड़के को वहां पर मारने की देखो कोशिश कर रहे हैं। उसका बेटा और लालचंद दोनों उस दुकान के मालिक को मारने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद गुड्डू आहूजा राजा गेमनानी के बंगले के अंदर जा रहा है और लालचंद आहूजा उन लड़कों को गाली गलौज दे रहा है। ये सामने पूरी तरह विजुअल दिख रहा है और ये सबके सामने की बात है। वहां पर रास्तों पर उन्होंने एक तमाशा बना दिया था। उसके बाद अब लालचंद आहूजा वहां से भागकर किस तरह राजा गेमनानी के बंगले में जाएंगे, वहां भी वह तमाशा करेंगे, वहां भी वह गाली गलौज निकालने वाले हैं। आप देखते रहिए इस विजुअल को, किस तरह यह लालचंद आहूजा बंगले में भाग रहा है।